Hello everyone, how are you? I hope you are fine and you are most welcome in 12th English Crash Course Video Lecture 15. Dear students, अभी तक हम लोगों ने Video Lecture 14 तक complete किया है और मुझे विश्वास है कि आप Video Lecture 14 तक complete किए होंगे. आपने एक एक क्लास को देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसको लिखा होगा, साथ ही साथ याद भी किया होगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि आगे आपका एग्जाम है. जी हां, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना ही होगा. पढ़ने के अलावे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. तो जब आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा विकल्प है ही नहीं, तो आई थिंक आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक पढ़नी चाहिए. सो फोकस ऑन स्टडी, तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए. चलिए आज हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर 15 है, 14 तक कंप्लीट हो गया है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्नैप. जी हां, याद रहे हम लोग रेनबो पार्ट 2 बुक पढ़ रहे हैं, रेनबो पार्ट 2 बुक से पोएट्री सेक्शन को देख रहे हैं. बात अगर पोएट्री सेक्शन की करें हम लोग, तो पोएट्री सेक्शन से स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ चुके हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़ चुके हैं, ओड टू ऑटम पढ़ चुके हैं, द सोल्जर पढ़ चुके हैं. आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्नेक के बारे में. चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्नेक के बारे में. विदाउट डिले लेट्स प्रोसीड द क्लास, लेट्स लुक द बोर्ड. जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 12th इंग्लिश क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर 15 दी आपका बुक है रेनबो पार्ट 2, पोएम का नाम है स्नेक. चलिए, स्नेक को हिंदी में सांप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तो स्नेक को हिंदी में सांप बोलते हैं. आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि सर, कविता का ये कोई नाम हुआ सांप, स्नेक. जी हां, ये कविता का नाम है, ये कविता का हेडिंग है स्नेक. स्नेक मींस सांप, याद रखेंगे. आखिर इस कविता का हेडिंग सांप स्नेक क्यों पड़ा? मैं बता दूं आप लोगों को, भीषण गर्मी थी, कवि को जोरों की प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए कवि जब अपने नल के पास गया तो देखा कि उस नल के पास पहले से ही एक अतिथि आया हुआ है. वो कोई और नहीं, एक सांप था. कवि और उस सांप के बीच कैसी घटना हुई, क्या क्या हुआ, इन्हीं बातों को, इसी घटना को इस कविता में दर्शाया गया है. तो इस कविता का नाम है स्नेक. स्नेक मींस सांप. इस कविता में कवि और सांप के बीच का एक मुलाकात है. मुलाकात हुई, क्या हुआ, इन सभी चीजों को जानने के लिए आप बने रहिए, आगे जानेंगे. फिलहाल जब भी हम लोग कोई कविता शुरू करते हैं, सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग के बाद कवि के बारे में, उसके बाद कविता को सुनते हैं, फिर समरी को देखते हैं और अंत में ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं हम लोग. आइए हेडिंग को समझते हैं. तो याद रहे स्नेक का मतलब क्या हो गया, सांप. इस कविता में सांप के बारे में चर्चा हुआ है. तो भाई सांप है क्या? एनिमल है, इसलिए स्नेक को आप बोलेंगे एनिमल्स पोएम. क्या बोलेंगे? एनिमल्स पोएम. ठीक है, इस कविता को लिखा कौन है? तो याद रखेंगे इसे लिखा है डीएच लॉरेंस ने. डीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रहे डी फॉर डेविड होता है, एच फॉर हर्बर्ट होता है. तो डीएच लॉरेंस का फुल फॉर्म डेविड हर्बर्ट लॉरेंस. एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे कविता का नाम है स्नेक. स्नेक मतलब सांप. इस कविता में सांप के बारे में बात हुई है, एनिमल के बारे में बात हुई है, इसलिए स्नेक एक एनिमल्स पोएम है. इसे डीएच लॉरेंस ने लिखा है. डीएच लॉरेंस का फुल फॉर्म डेविड हर्बर्ट लॉरेंस होता है. चलिए, हेडिंग आप समझ गए कि इस कविता में सांप के बारे में बात हुई है, यह एक एनिमल पोएम है, डीएच लॉरेंस ने लिखा है. तो आइए अबाउट पोएट.
कवि के बारे में जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कवि का नाम है डीएच लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। किस प्रकार के कवि है? तो इसे मॉडर्न पोएट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न पोएट। जन्म कब हुआ? 1885 इन इंग्लैंड। मृत्यु कब हुआ? 1930। ये क्या क्या थे? तो याद रहे, ये कवि भी थे बोले तो पोएट, ये नॉवलिस्ट भी थे बोले तो उपन्यास, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे बोले तो लघु कथाकार। तो याद रखेंगे, डीएच लॉरेंस कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, लघु कथाकार भी थे। आपका एग्जाम में पूछ लेगा, डीएच लॉरेंस वॉज डैश, ऑप्शन ए पोएट, ऑप्शन बी नॉवलिस्ट, ऑप्शन सी शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑप्शन डी ऑल द थ्री। तो आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री। आइए फेमस कलेक्शन, इसकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन है? डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं द व्हाइट पीकॉक, द ड्रेस पासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, क्या द रेनबो एंड प्लम सरपेंट। ये सब प्रसिद्ध किताब है डीएच लॉरेंस का। हिडन और कवि के बारे में इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि यहां से काफी ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। एग्जाम में पूछ लेगा स्नेक इज अ डैश पोएम, आंसर होगा एनिमल्स पोएम। एग्जाम में पूछ लेगा स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय, आंसर होगा डीएच लॉरेंस। क्वेश्चन पूछ लेगा डीएच लॉरेंस फुल फॉर्म, तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस हो जाएगा। पूछ लेगा डीएच लॉरेंस वॉज अ डैश पोएट, तो याद रखेंगे मॉडर्न पोएट। और हालांकि यह कविता एनिमल के बारे में, तो एनिमल्स पोएट भी बोल सकते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा डीएच लॉरेंस वॉज बोर्न इन 1885 इन इंग्लैंड, डाइड इन 1930। पूछ लेगा डीएच लॉरेंस वॉज डैश, डैश थे पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। आपका एग्जाम में पूछ लेगा द व्हाइट पीकॉक, द ड्रेस पासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम सरपेंट, आर द वर्क्स ऑफ, आर द बुक्स ऑफ, तो हो जाएगा आपका डीएच लॉरेंस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसको याद करना कितना कितना जरूरी है। जी हां, कविता का हेडिंग हम समझ चुके हैं, कवि के बारे में समझ चुके हैं, अब चलेंगे हम लोग कविता की ओर। आइए सुनते हैं इस कविता को। आखिर इस कविता में कवि और सांप के बीच का मुलाकात कैसा मुलाकात है? एकदम ध्यान से सुनिएगा। भीषण गर्मी थी, जुलाई का महीना था, भीषण गर्मी थी, कवि को जोरों की प्यास लगी। कवि प्यास बुझाने के लिए अपने पानी के बर्तन, वाटर ट्रॉफ, नल के पास पहुंचा। कवि जब वहां पहुंचा, देखा वहां पर पहले से ही कोई आया हुआ है। वो कोई और नहीं, एक सांप था। जी हां, वो सांप पास के दीवार में बनी दरार से आया था। वो सांप कैरब ट्री, कैरब नामक पौधा के नीचे था। वो सांप अपने सीधे मुंह से पानी पी रहा था। वो गुप्त दुनिया से आया था। भीषण गर्मी होने के कारण उस सांप को भी जोरों की प्यास लगी होगी। वो अपना प्यास बुझाने के लिए उस नल के पास आया था। कवि सेकंड कमर की तरह इंतजार किया। पहले सांप आया इसलिए सांप को फर्स्ट कमर कहा गया, बाद में कवि पहुंचा इसलिए कवि ने खुद को सेकंड कमर कहा। कवि जो है सेकंड कमर की तरह इंतजार करने लगा। वो सांप था, कोई इंसान नहीं। इंसान रहता तो कवि भी चला जाता, कहता भाई जी मुझे भी पानी लेने दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। कवि दूर से ही खड़ा होकर सेकंड कमर की तरह इंतजार कर रहा था। सांप अपने सीधे मुंह से पानी पी रहा था, सीधे मुंह से पानी पीकर लंबे शरीर की ओर धकेल था। कवि को यह नजारा अच्छा लग रहा था, कवि जो है आनंद ले रहा था, कवि को मजा आ रहा था, कवि को उस सांप का एक्टिविटी अट्रैक्टिव लग रहा था, आकर्षक लग रहा था। तभी अचानक कवि का शिक्षा, पोएट के अंदर जो एजुकेशन था, ह्यूमन एजुकेशन, उन्होंने कवि को कहा कि सुनो, इट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक है, किल हिम, मार दो इसे। कवि डिसाइड नहीं कर पा रहा था क्या करे। एक और कवि का दिल चाहता था
कि वो हमारे यहां अतिथि की तरह आया है, हमें उसका सत्कार करनी चाहिए। हमारे यहां वो अतिथि की तरह आया है, हमें उससे बात करनी चाहिए। हमारे यहां वो अतिथि की तरह आया है, हमें उसका हॉस्पिटैलिटी करनी चाहिए, खातिरदारी करनी चाहिए। तो दूसरी तरफ मानव कवि का जो है ह्यूमन एजुकेशन, कवि का दिमाग कह रहा था कि ये मानव जाति के लिए खतरनाक है, इससे मार डाल। लेकिन कवि उसका रिस्पेक्ट करना चाहता था, कवि उसका खातिरदारी करना चाहता था। उस सांप ने पानी पिया और अपने गर्दन की उठाया, पानी पीने के बाद अपने गर्दन को उठाया, चारों तरफ देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा अपने राज्य को देख रहा हो। उस सांप का आंख कवि के तरफ भी आया, लेकिन सांप में कोई प्रतिक्रिया नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था। तो कवि को ऐसा लगा कि मेरे तरफ तो देखा, लेकिन वैग्यूली देखा और अस्पष्ट तरीके से देखा। फिर फाइनली वह सांप जो है फाइनली पानी पीकर अपने गर्दन को उठाया और गर्दन को उठाकर है ना अपने फन को निकाला। वो काला फन को देखकर कवि बहुत ज्यादा डर गया और धीरे धीरे फिर अपने गर्दन को उसी भयानक बिल पर रख दिया जिससे वो आया था। उस हॉरिड होल को, उस भयानक बिल को देखकर कवि घबरा गया। कवि के मन में तरह तरह का सवाल उत्पन्न होने लगा। कवि को लगा कि ये भयानक बिल में एंट्री तो मार देगा, लेकिन हो सकता है कभी भी वापस आके मुझे डस ले। ज्यो ज्यो वो सांप ज्यो ज्यो बिल में अंदर जाता, कवि को उतना ही ज्यादा डर लगता। सांप का आधा भाग बिल में गया ही था कि रेस्ट जो पार्ट था वो पलट गया। सांप के दूसरे पार्ट को देखकर कवि पूरी तरह से डर गया। इसलिए कवि जो है कवि के पास घड़ा था, उन्होंने उस घड़ा को रखा। रखने के बाद इधर उधर देखा, देखने के बाद उसे एक टेढ़ा मेढ़ा सा डंडा मिला, एक क्लब सी लॉग मिला और दे उठा मारा सांप के ऊपर। कवि को तो पहले ऐसा लगा कि उस सांप को कोई भी चोट नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि कवि का निशाना अच्छा नहीं था। लेकिन कुछ ही क्षण बाद देखता है कि वो सांप जो है वो बिजली की तरह छटपटाने लगा, दर्द के मारे ऐंठने लगा। छटपटाते हुए ऐंठते हुए वो सांप बिल में चला गया। उस सांप के दर्द को, उस सांप के पीड़ा को, उस सांप के छटपटाहट को देखकर कवि को एकाएक खुद से नफरत हुआ। कवि ने खुद से नफरत किया और कवि ने खुद से नफरत किया और अपने इस कार्य को, अपने इस एक्टिविटी को नीच गिरा हुआ और अश्लील कार्य कहा। कवि कहते हैं कि मैंने जो किया वो गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो एक इनोसेंट स्नेक था, एक निर्दोष सांप था। वो हमारे यहां पानी पीने आया था, वो पानी पीने इसलिए आया था ताकि उसका प्राण बच सके। वो तो हमारे यहां प्राण बचाने आया था, हमने प्राण छीनने का प्रयत्न किया, हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम इंसान अपने फायदे के लिए इतना खुदगर्ज हो जाते हैं कि मासूम तक को नुकसान कर देते हैं। अंत में कवि ने यह इच्छा जताया कि जिस तरह समुद्र में एल्बाट्रोस नामक पक्षी एकाएक गायब हो जाता है लेकिन पुनः हर वर्ष फिर वापस आता है, ये सांप भी तो गया है। मैं इच्छा जताता हूं कि वो पुनः वापस आए, जब वो वापस आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा ना राजा की तरह। तो याद रहे, इस कविता में कवि ने अपने फीलिंग्स को शेयर किया है। कवि कहते हैं कि जानवर निर्दोष होता है, वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। जानवर, जानवर में बुद्धि नहीं होता, अकल नहीं होता, इंसान में अकल होता है। इंसान चाह लेगा तो उससे बच जाएगा। तो इंसान जो है वो अपने फायदे के लिए निर्दोष को भी, जबकि उसको छोड़ सकता, उससे बच सकता है, इंसान के पास अकल है। इंसान अपने फायदे के लिए मासूम जानवरों का नुकसान पहुंचाता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस कविता में कवि जो है, कवि और सांप के बीच जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बारे में बताया
आपने देखा कि कवि और सांप के बीच का जो मुलाकात है वो किस तरह मुक्कालात में बदल गया। चलिए, तो ये था आपका कविता, आइए इसके समरी को हम लोग देखते हैं। याद रहे कंटिन्यू, पीछे पीछे आपका जितना भी क्लास हो चुका है, पीछे आपने जो जो चीज पढ़ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी को आपने क्लियर किया होगा। और सबको क्लियर करने के बाद, नहीं, क्लियर करने के बाद ही आप आगे पढ़ रहे होंगे। बाबू बोर्ड एग्जाम है, कोई खेल नहीं है। ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। क्रैश कोर्स में हम पूरा कोर्स करवाएंगे, ढंग से करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो कविता है स्नेक, स्नेक मतलब सांप, नहीं, हेडिंग हो गया, कवि के बारे में जान लिए, हमने कविता को भी सुना, आइए इसके समरी को हम लोग देखते हैं। चलिए समरी देखते हैं। पहला पॉइंट है स्नेक इज एन एनिमल पोएम। जी हां, स्नेक एक एनिमल पोएम है। इट हैज बीन रिटन बाय डीएच लॉरेंस, इसे डीएच लॉरेंस ने लिखा है। ही वाज अ पोएट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। डीएच लॉरेंस कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे, है ना, एसेइस्ट थे, निबंधकार, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, लघु कथाकार। आगे है, he was born in 1885 in England and died in 1930. इसका जन्म हुआ 1850 में इंग्लैंड में, मृत्यु 1930 मतलब 1930 में हुआ। He has written many poems, इन्होंने ढेर सारा कविताएं लिखा। पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, आइए चलते दूसरे पैराग्राफ में। In this poem the poet tells, इस कविता में कवि बताते हैं, it was extreme hot, भीषण गर्मी थी, so he felt thirsty, इसलिए वो प्यासा महसूस किया, and went to his water trough, और अपने पानी के बर्तन के पास गया। He saw a snake there, उन्होंने वहां पर एक सांप देखा। The snake was drinking water with its straight mouth, सांप जो है वो अपने सीधे मुंह से पानी पी रहा था। It came from a horrid hole, यह एक भयानक बिल से आया था। The poet liked the snake very much, कवि ने सांप को बहुत पसंद किया। He waited like a second comer, वो second comer की तरह इंतजार किया कवि। Suddenly poet's education told him to kill the snake, अचानक कवि का शिक्षा ने कहा कि सांप को मार दो। But the poet wanted to welcome the snake, लेकिन कवि सांप का स्वागत करना चाहता था। The poet totally feared, कवि जो है पूरी तरह से डर गया था। After seeing the horrible hole, भयानक बिल को देखने के बाद कवि पूरी तरह से डर गया था। He took a clumsy log, उन्होंने एक टेढ़ा मेढ़ा सा डंडा लिया, and threw over the snake, और सांप के ऊपर दे मारा। The snake started to convulse with pain, सांप जो है दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर दिया। एंड entered the hole, और फिर बिल में चला गया। After hitting the snake, सांप को चोट पहुंचाने के बाद the poet कवि despised himself, खुद से नफरत किया, and called the act vulgar and mean, और अपने इस काम को नीच और गिरा हुआ काम बताया। At last अंत में the poet wishes to see the snake like an albatross, अंत में कवि ने इच्छा जताया कि वो उस सांप को एल्बाट्रोस की तरह देखना चाहता है। He wants to, है ना, expiate to welcome the snake like a king, वो उस सांप का स्वागत करके कहीं ना कहीं पश्चाताप करना चाहता है। तो ये था आपका समरी। आपका एग्जाम में अगर पूछ लिया राइट समरी अबाउट स्नेक या ऑन द पोएम स्नेक, सांप कविता के ऊपर समरी लिखिए, तो इसी प्रकार लिख देना है, स्नेक इज एन एनिमल पोएम, इट हैज बीन रिटन बाय डीएच लॉरेंस, ही वाज अ पोएट, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही वाज बोर्न इन 1885 इन इंग्लैंड एंड डाइड इन 1930 ही हैज सॉरी 1930 ही हैज रिटन मेनी पोएम्स,
In this poem, the poet tells it was extreme hot, so he felt thirsty and went to his water trough. He saw a snake there. The snake was drinking water with his straight mouth. It came a horrid hole. It came from a horrid hole. The poet liked the snake very much. He waited like a second comer. Suddenly, poet's education told him to kill the snake. But the poet wanted to welcome the snake. The poet totally feared after seeing the horrible hole. He took a clumsy log and threw over the snake. The snake started to convulse with pain and entered the hole. After hitting the snake, the poet despised himself and called the act vulgar and mean. At last, the poet wishes to see the snake like an albatross. He wants to expiate to welcome the snake like a king. ये आपका हो गया समरी। आइए समरी के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। याद रहे समरी को याद करना भी बहुत बहुत जरूरी है। समरी को याद करना भी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं इसका हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम आइडिया। पहला पॉइंट देखिए है, द स्नेक केम नियर द। सांप किस चीज के नजदीक आया था? रट लीजिए, वाटर ट्रफ। किसके नजदीक आया था जी? वाटर ट्रफ, पानी के बर्तन के नजदीक। अगला पॉइंट है, द पोएट वॉज इन डैश। कवि डैश में था। अरे भीषण गर्मी थी ना, तो कवि पैजामा पहना हुआ था। पैजामास याद रखेंगे, पूछता है। अगला पॉइंट है, डैश वेटेड लाइक अ सेकंड कमर। पहले सांप आया था तो सांप फर्स्ट कमर, बाद में कवि आया, कवि सेकंड कमर, तो कौन इंतजार किया सेकंड कमर की तरह? तो पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट है, डैश वॉज द फर्स्ट कमर। भाई फर्स्ट कमर कौन था? पहले तो सांप आया था, तो स्नेक हो जाएगा। अगला पॉइंट है, द स्नेक लुक्ड एट द पॉइंट। सांप ना गर्दन उठा के चारों तरफ देखा, कवि के तरफ भी देखा, लेकिन अस्पष्ट, वैग्यूली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैग्यूली मतलब अस्पष्ट रूप से। अगला, डैश इज अ लार्ज व्हाइट सीबर्ड। कौन एक बड़ा सा उजला सा समुद्री पक्षी है? एल्बाट्रोस। कौन? तो याद रखेंगे एल्बाट्रोस, एक समुद्री पक्षी है ये। अगला पॉइंट, द पोएट हिट द स्नेक विथ डैश। कवि ने सांप को चोट पहुंचाया कौन चीज से? टेढ़ा मेरा डंडा, हो जाएगा क्लम्सी लॉग, सिर्फ लॉग भी हो सकता है। अगला पॉइंट, द पोएट हिट द स्नेक विथ डैश है, सेम हो गया जी, सेम हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, क्लम्सी लॉग। ठीक है, अगला पॉइंट, द स्नेक केम फ्रॉम डैश ऑफ अ वॉल। द स्नेक सांप केम आया फ्रॉम से दीवार। हाँ, दीवार में बनी दरार से आया था। कहां होगा दरार का अंग्रेजी? फीसर। नहीं, भूकंप आ जाता है, भूकंप आता है तो दीवार क्या हो जाता है? क्रेक कर जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फीसर। अगला, द पोएट वॉन्टेड टू टॉक विथ डैश। कभी किससे बात करना चाहता था? स्नेक, पगला गया है कवि। चलिए, तो ये था आपका चैप्टर स्नेक। आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से समझे होंगे, तो लिख भी लेना है, याद भी कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कविता है, आपका एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।